की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। दो दिन पूर्व दरौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में नाबालिग लड़की स्कूल से पढ़कर आ रही थी, तभी रास्ते में बगल के एक गांव का 23 वर्षीय युवक बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। घटना दो दिन पहले की है। उसके बाद लड़की के चिल्लाने की आवाज़ मिलते ही ग्रामीण पहुंचे और मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने दरौली थाना को दिया था, तब थाना अध्यक्ष रितेश कुमार मंडल घटनास्थल पर पहुंचकर उस नाबालिग लड़की को सिवान के सदर अस्पताल में लाकर मेडिकल जाँच करवाया और इलाज भी शुरू कराया। वही आरोपित की पहचान हो जाने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने दरौली सिवान मुख्य मार्ग को सुबह सुबह बांस बल्लों से घेर कर जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि सिवान एसपी के पहुंचने के बाद ही सड़क जाम हटाया जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि जब आरोपी की पहचान हो चुकी है तो पुलिस वाले आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। घटना दो दिन पहले की है, दो दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तार नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व दरौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक नाबालिग लड़की स्कूल से पढ़कर आ रही थी, तभी रास्ते में बगल के गाँव का 23 वर्षीय युवक बाला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना दो दिन पहले की है। आरोपित युवक की पहचान हो चुकी है। उसके बाद भी दो दिन बीत जाने के बाद पुलिस द्वारा अभी तक वो लड़का गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिसके बाद ग्रामीण जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने बांस बल्लों से सिवान दरौली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का मांग है कि सिवान एसपी के पहुंचने के बाद ही सड़क जाम हटाया जाएगा। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।